गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो फिर से यार एक बार आपका स्वागत है अपने चैनल ट्रस्टिंग इंडियन में। आपको जैसे पता है हमारी केदारनाथ धाम सीरीज चल रही है। अगर इससे पहले कि आपने कोई भी वीडियो मिस की हो तो आई बटन में हमारी प्लेलिस्ट आ रही होगी। प्लेलिस्ट में जाकर आपने जो सी वीडियो मिस की है उसको जाकर प्ले कर सकते हैं। अगर सारी प्ले देखना चाहते हैं, सारी वीडियो देखना चाहते हैं, हमारी पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो आप एक करके सारी प्लेलिस्ट प्ले कर सकते हैं। तो हमारी बैक टू बैक फोर्थ वीडियो है जिसका टॉपिक है हमारा फेमस प्लेस ऑन द वे ऑफ सोनप्रयाग। वो कौन कौन से प्लेसेस हैं जो हमें कभी भी मिस नहीं करने चाहिए हरिद्वार से सोनप्रयाग के बीच में। तो यार सबसे पहले हमारे पास आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, प्रयाग प्रयाग मतलब दो या दो से ज़्यादा नदियों का संगम। तो देवप्रयाग में देवलोक से आने वाली दो नदियों का संगम पॉइंट है देवप्रयाग, जिसमें एक है हमारी भागीरथी जिसका उद्गम स्थान गोमुख गंगोत्री से होता है, गोमुख ग्लेशियर से, और दूसरी हमारी अलकनंदा जिसका उद्गम स्थान बद्रीनाथ से आगे माना विलेज में जिसका उद्गम स्थान है। अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां यहां पे देवप्रयाग में आके मिलकर गंगा का रूप लेती। अलकनंदा रिवर का पानी थोड़ा थोड़ा मिट्टी कलर का होता है और जो भागीरथी रिवर का पानी है वो थोड़ा थोड़ा हरे रंग में होता है। जो संगम पॉइंट है देवप्रयाग, उसकी दूरी हरिद्वार से लगभग 90 किलोमीटर है और उसकी दूरी ऋषिकेश से लगभग 70 किलोमीटर रह जाती है। उसके बाद है हमारे पास धारी देवी टेम्पल। धारी देवी टेम्पल एक बहुत ही ज़्यादा माने जाने वाला माँ धारी देवी का मंदिर है जो कि हरिद्वार से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसको चारों धाम की रक्षा करने वाली देवी भी माना गया है। ये माना जाता है कि जब जो 2013 में त्रासदी आई थी केदारनाथ धाम में, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि भी मंदिर की रिकन्स्ट्रक्शन के दौरान माता की मूर्ति को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर स्थापित किया गया था, जिस कारण महापर्ले आई थी पूरे उत्तराखंड में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को। और मिलते हैं आपसे ऐसे ही कुछ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।